हैवानियत की सभी हदें पार, चार वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदे ने की दरिंदगी। खिचड़ी के त्योहार में आई थी रिश्तेदारी में पीड़ित लड़की, गांव के ही दरिंदे ने दरिंदगी के हैवानियत को दिया अंजाम। दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए दरिंदे ने एक मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हुए उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि घटना की सूचना पाते ही नगर कोतवाली बांदा में दरिंदे के खिलाफ FIR दर्ज कर और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की कार्रवाई की जा रही है। जनपद बांदा के नगर कोतवाली अंतर्गत बड़ोकर खुर्द में मध्य प्रदेश के रहने वाले एक परिवार जो कि खिचड़ी के त्योहार में रिश्तेदारी में आए हुए थे, जहां घर आने जाने वाले एक दरिंदे ने आई हुई चार वर्ष की बच्ची के साथ बहला फुसला कर बगीचे में ले गया और उसके साथ हैवानियत भरी जिंदगी को अंजाम दे दिया। इस घटना की जानकारी परिजनों को और पीड़ित माँ बाप को हुई तो शाम को बच्ची का तपदानी जलसा और काफी खोजबीन के बाद शाम को आरोपी की बगिया के पास में लड़की रोती हुई अभिलक्ति मिली तथा घटना की आप बीती अपने माँ बाप को पता, जिसमें उक्त घटना की सूचना पर पीड़ित मावा ने डायल 112 के सिपाहियों को सूचित किया, जहां आरोपी ने पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रादेशिक गुप्ता, सतदल सिंह, बांदा, UP। बेटा क्या हुई थी घटना, क्या हुआ है? अच्छा, कौन पकड़ के ले गया था आपको? लड़का पकड़ ले गया था। तो क्या गलत काम भी किया है आपके साथ? क्या किया है बता दे। अच्छा, गलत काम किया आपके साथ? जी बताइए, क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा कहाँ की रहने वाली हैं आप? मनवारा की। मनवारा, थाना कौन सा पड़ता? गौरियार। क्या हुई है बच्ची के साथ, घटना क्या हुई? हम यहाँ मामा के पास आए थे, बुलाए थे त्योहार में, आए थे तो हम बना रहे थे खाना, आया तो पकौड़ी खाया, खेल रही थी बच्ची, उठा के ले गया है, हमको पता नहीं भी, फिर ढूंढे घंटा दो घंटे में मिला, वहाँ से लेके आया है लड़की, रोते चली आई। अच्छा, क्या लड़की ने कुछ बताया, क्या घटना की है? बताया, बोला कच्ची ने उतार लिया, चड्डी उतार दिया है और दर्द भी हो रहा है। अच्छा, गलत काम किया है। इसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? हम फिर 100 नंबर फोन कर दिया। तो क्या हुई अभी तक पुलिस की तरफ से, क्या कार्रवाई हुई? तो यूं तो कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा? हाँ, अंदर आरोपी पकड़ गया। बच्ची की उम्र लगभग कितनी होगी? 4 साल। 4 साल की। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र, कहाँ के रहने वाले हो प्रेम? मनोरा। तो ये बांदा कहाँ पे आए हुए थे तुम लोग? मामा के पास। मामा के पास रिश्तेदारी में। क्या घटना हुई बच्ची के साथ? बच्ची के साथ सर हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन वो आया और बच्ची को जाके ले गया, अभी ये पता नहीं सर कहाँ ले गया। तो क्या जानकारी आपको किसने दी थी कि बच्ची को ले गया? जब वो फ्रेंड लेके आया था बच्ची को। लड़की कितनी देर घर से गायब थी? एक डेढ़ घंटा थी। तो लड़की क्या उम्र कितनी रही होगी लड़की की? लगभग 4 साल। इसके बाद क्या हुआ, थाने में आपने सूचना दी जी? तो क्या हुआ फिर? थाने में सूचना दी है, रिपोर्ट दर्ज हुई है। अच्छा, जो ले गया था क्या नशे अशे में था वो? जी सर, नशे में था। तो क्या हुआ, पुलिस ने पकड़ा अभी तक? जी सर, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? जी सर, वो दर्ज हुआ है, रिपोर्ट दर्ज हुई है, कार्रवाई जारी है। लड़की की हालत कैसी थी जब लड़की आई थी? डरी हुई थी, बहुत ज्यादा, रो रही। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ घटना? क्या बताई, क्या हुई है लड़की ने, क्या बताया? जी सर, लड़की ने ये तो और कुछ नहीं बताया, ये बताया कि मतलब मुझे ले गया था वहाँ, मतलब कोई बगीचा गीचा था, ये हमें भी पता नहीं। क्या गलत काम किया गया लड़की के साथ? जी सर, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है सर, क्या है पूरा मामला सर? जी, ये कल बड़ोखर खुर्द की घटना है। एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था और उसकी बच्ची और उसका परिवार भी आया हुआ था। कल एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसके द्वारा तहरीर कोतवाली में दी गई, हमारे यहाँ कोतवाली नगर में उसका अपराध संख्या पर उसका पंजीकरण भी हो गया है और इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है और शेष अन्य विवेचना की कार्यवाही और बाकी शेष कार्यवाही जो उसमें उत्तरोत्तर उसमें जारी है।